हम आपको लेके आए हैं अद्भुत मंत्र। यह सिद्ध मंत्र है, इसका प्रयोग करके आप जो है टीबी रोग से मुक्ति पा सकते हैं। हम बताना चाहेंगे आपको इसकी विधि, जान लीजिए। आम के जो है 108 जो है ताज़े पत्ते आपको तोड़ने हैं, शुद्ध गाय के घी में उसको डुबोना है। गाय का घी अगर नहीं है तो उस पर आप चुपड़ दें, दोनों साइड से उसको चुपड़ दें, और जिस स्थान पे रोगी रहता है, जहाँ पे सोता है, वहाँ पे बैर का या पलाश का जो है लकड़ी रख कर आपको अग्नि जलाना है, प्रज्वलित करना है, और उस पे जो है आपको 108 बार जो है जो मंत्र हम आपको दिए हैं, इस मंत्र से जो है वहाँ पे आपको आहुति करनी है, आपको हवन करना है 108 बार। यदि रोगी जो है बैठने योग्य है ना, तो उसको हवन कुंड के पास समीप बैठा दें, जिससे या चारपाई के पास ही जो है आप हवन कुंड बनाएं, जिससे कि उसका जो अग्नि में डालेंगे धुआं उसके मुंह में सांस लेता रहे और उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे करके प्रवेश करे। तो तीन या पाँच दिन में जो है यह प्रयोग अगर आप करेंगे तो 15 या 21 दिन तक जाते जाते जो है टीबी रोग सदैव के लिए जो है दूर हो जाता है, वह दोबारा कभी भी परेशान नहीं करेगा जो रोगी परेशान है। और आपको एक दूसरा हम और बता देते हैं, आपको लेना है इसमें जो हवन करेंगे उसमें आपको मंडूक और परणी, गूगल, इंद्राण की जड़, अश्वगंधा, विचारा, सालपरणी, मकोय, अंडूसा, बांसा, गुलाब के फूल, सतावरी, जलामाझी, जायफल, वंशलोचन, रसना, तगर, और आपको गोखुर, पांडरी, छी, काकोली, पिस्ता, बादाम की गिरी, मुनक्का, हरण, लौंग, आंवला, अभिप्राव, जीवंता, पुनर्वा, नगेंद्र, बामड़ी, खूब कला, अपमार्ग, चिड़का, बुरादा, उपरोक्त, ये सब जो है आपको बराबर भाग में जो है मिलाकर गिलोय का जो है गुर्च चार भाग